अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, नाउंस और प्रोनाउंस। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव में डी को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव। ये दोस्तों, एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इस्म सिफ्त। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा नाम जो खूबी बयान करे, सिफ्त कहते हैं खूबी को, ठीक है, यानी ऐसा नाम जो किसी फर्द या चीज की सिफ्त बयान करे, ठीक है, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। इंग्लिश में हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, एडजेक्टिव आर वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या है, ये वर्ड्स हैं दैट डिस्क्राइब, कौन से वर्ड हैं, दैट डिस्क्राइब नाउंस और प्रोनाउंस, ठीक है। यानी एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करें, जो उनको मजीद बयान करें। यानी एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखें, वो हमें बताता है कि नाउन की क्वालिटी क्या है, ठीक है, किसी भी शख्स की खूबी क्या है, वो किस तरह का है, उसका साइज क्या है, नाउन के नंबर क्या है, उसकी मलकियत क्या है, ठीक है जी। दोस्तों, एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देता है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी भी बताता है, ठीक है, नाउन की क्वालिटी या टाइप, ठीक है, नाउन की साइज भी बताता है, साइज ऑफ द नाउन, क्वालिटी और टाइप ऑफ द नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी और टाइप भी बताता है और नाउन का साइज भी बताता है, नंबर थ्री कह लें, नाउन का नंबर भी बताता है, नंबर ऑफ द नाउन, ठीक है, इसके अलावा पोजेशन भी बताता है, यानी मलकियत, नाउन की मलकियत भी बताता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए डिस्क्राइब करती हूं। जैसे अली इज ड्राइविंग अ ब्लैक कार, अली एक काले रंग की कार चला रहा है। सबसे पहले देखें इसमें नाउन कौन सा है, अली और कार, ठीक है, अली चला रहा है, क्या चला रहा है, ब्लैक कार, ठीक है। अब यहां पे नाउन कौन कौन से हैं, अली और कार। अब यहां पे नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि ये ब्लैक है, ठीक है, इसकी क्वालिटी या इसकी टाइप बता रहा है, इसका कलर बता रहा है, क्या है, कार ब्लैक है, यहां पे ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। यानी एडजेक्टिव हमें नाउन की क्वालिटी टाइप बताता है कि वो किस तरह का है, ठीक है, यहां पे ब्लैक क्या है, ये कार का नाउन का एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे
एडजेक्टिव जो है वो साइज भी बताता है नाउन का. कैसे? अली इज ड्राइविंग अ बिग कार. अली एक बड़ी कार चला रहा है. ठीक है, अली एक बड़ी कार चला रहा है. अली इज ड्राइविंग अ बिग कार. अली एक बड़ी कार चला रहा है. यहां पे नाउन कौन सा है? अली. कार क्या है? नाउन. यहां पे नाउन की मजीद मालूमात दी जा रही है कि वो बिग है, यानी उसका साइज क्या है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, मोटी है, कैसी है. तो यहां पे कार के बारे में जो मजीद मालूमात दे रहा है ये है एडजेक्टिव. ठीक है, ये हमें नाउन का साइज बता रहा है. ठीक है, आगे एडजेक्टिव जो है वो नंबर ऑफ नाउन भी हमें बताता है. वो कैसे? अली, अली हैज सेवरल कार्स. अली हैज सेवरल कार्स, यानी यहां पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन की तादाद भी बताता है, उसका नंबर भी बताता है. ठीक है, क्या करता है? नाउन का नंबर भी बताता है. वो कैसे? अली क्या है? नाउन. ठीक है, अली क्या है? नाउन. यहां पे कार्स क्या है? नाउन्स. ठीक है, अब नाउन्स को मजीद बता रहा है कि सेवरल कार्स. अली के पास कितनी कार है? कई कारें हैं, सेवरल कार्स. तो यहां पे नाउन को, इन नाउन्स को मजीद बताया जा रहा है कि कई कारें हैं. ठीक है, तो यहां पे ये सेवरल क्या है? ये एडजेक्टिव हो जाएगा. कौन सा? जो नंबर बता रहा है नाउन का. ठीक है, ये एडजेक्टिव जो है ये हमें नाउन का नंबर बता रहा है कि नाउन जो है वो कितनी है, उनकी तादाद कितनी है. अगर मैं कहूं अली हैज टू कार्स, तो ये उसकी हमें तादाद बता रहा है. सेवरल कई कारें हैं. ठीक है, सेवरल का टू थ्री फोर सेवरल, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी हमें नाउन के बारे में मजीद डिटेल दे रहा है. आगे एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन की पोजीशन भी बताता है. वो क्या है? पोजीशन कहते हैं मलकियत को. एडजेक्टिव जो है वो नाउन की पोजीशन भी बताता है. ठीक है, यानी नाउन की मलकियत को भी जाहिर करता है. जैसे इट इज हिज कार. इट इज हिज कार. दिस इज हर डॉल. तो ये क्या है? देखें, कार क्या है? नाउन. इट क्या है? प्रोनाउन. तो यहां पे नाउन को मजीद कौन डिटेल में बता रहा है? हिज, यानी उसकी. तो यहां पे इट क्या है? प्रोनाउन. कार क्या है? नाउन. नाउन को मजीद बता रहा है हिज, कि उसकी, ये उसकी कार है. यहां पे ये उसकी मलकियत बता रहा है कि ये उस बंदे की कार है. तो यहां पे हिज क्या हो गया? ये हमारा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, हिज क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव. इसी तरह दिस इज हर डॉल, ये उसकी, उसकी गुड़िया है, ये उस लड़की की गुड़िया है. दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन कह लो आप इसको. ठीक है, प्रोनाउन की टाइप में आ जाता है, ये प्रोनाउन है. डॉल क्या है? नाउन. ठीक है, हर यहां पे क्या है? ये उसकी पोजेशन को बता रहा है कि उस लड़की की मलकियत में है, ये उसकी गुड़िया है. तो हर यहां पे क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव. हर क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, यानी माई, योर, हिज,
हर ईट्स आवर देयर, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या होंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी दोस्तों, एक मरतबा फिर बताते चलूं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बयान करें, यानी एडजेक्टिव जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देते हैं। नाउन की टाइप्स या क्वालिटी को बताता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्लैक कार, ठीक है। नाउन के साइज को भी बताता है, जैसे बिग कार। नाउन की तादाद को बताता है, टू कार्स, मैनी कार्स, सेवरल कार्स, ठीक है। और प्रोनाउन की पोजीशन को भी बताता है, यानी उसकी कार, हिज कार, हर डॉल, हिज टॉय, हर टॉय, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, इट्स, आवर, देयर, ठीक है। ये हमारे होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी मलकियत वाले समसिफ्त, ठीक है। ये दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। और अगर कोई प्रॉब्लम कहीं लगे तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं। और आखिर में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।